जा ही रहा है तो जाने दीजिए। अरे दिल्ली तक इनका डिमांड बढ़ गया है कि दिल्ली ऑल इंडिया हो गया। विजय होटल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोग विजय जी के बारे में जानेंगे और इनके मीट बनाने के स्टाइल के बारे में। ये बहुत ही लजीज और बेहतरीन तरीके से मीट बनाते हैं और खिलाते भी हैं, क्योंकि इन्हें खिलाने का भी शौक है। और इस वीडियो में आपको एक और चीज खास मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम मकबैंग भी करने वाले हैं विजय होटल के अंदर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मिलते हैं आगे। सो गाइस देख रहे होगे, अगर आप लोग मस्जिद के सामने आओगे तो ये विजय होटल आपको दिख जाएगा। उसके पहले ये एक मुन्ना होटल है, उसके बाद विजय होटल है। यहाँ पे दो विजय होटल है, एक ये साइड है और एक कोना में जाके गली में आगे ही में ऊपर में बोर्ड मिलेगा आपको। इसको बनने में भी कितनी देर लगेगी? एक घंटा और टाइम लगेगा। और कितना देर से ये बन रहा है अभी तक? क्योंकि लग तो रहा है कि बहुत देर से होगा। नहीं, बहुत देर से नहीं है। अभी कितना देर पहले लगा? पौन घंटा हो गया। अच्छा, ये बनने का जो प्रोसीडिंग है वो कितना बजे से स्टार्ट हो जाता है? हम लोग सवेरे छः बजे लगे रहते हैं। देख सकते हो इसका टेक्सचर वगैरह अलग लेवल का है। ये फैट वगैरह हो गया, चर्बी हो गया, ये पूरा देखो भाई, ये चर्बी अलग लेवल का सीन है ये। अच्छा, इसको पीस वगैरह करके ये पूरा गल जाता है जब, मतलब कि बनते रहेगा तो ये पीस करना पड़ता है? गल जाता है, थोड़ा बचा था पीस करके। अच्छा, थोड़ा मतलब यही ग्रेवी को थोड़ा ठीक कर, मतलब मोटा कर देगा ग्रेवी का। ऐसे पतला पतला पानी ऐसा रहता है, वो चीज़ नहीं होगा। देख लो भाई, यहाँ पे मीट वगैरह बन गया, इसमें लगता है मसाला वगैरह डला गया, सब डला गया। इसको कितना देर लगेगा अभी बनने में? दो घंटा और लगेगा। देख सकते हो, एक उधर उस साइड उस दुकान पे था, एक ये दुकान पे, इस तरीके का सीन है। और दोनों जगह से ट्रांसफर वगैरह होते रहता है। ये देखो, ये इधर उधर की ओर जा रहा है, लग रहा है कि वहाँ पे भी कस्टमर वगैरह आए हुए हैं। और यहाँ पे पूरा हाउस फुल हो चुका है और पूरे लोग यहाँ पे जो है ना खिलाने में लगे हुए हैं नेक्स्ट लेवल पे। और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, देख सकते हो किस तरीके से लोग मैनेज कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल का। एक घंटा बाद अभी इसमें कोई रंगत वगैरह कुछ नहीं है, और एक घंटा बाद आएंगे तो इसको पूरा एकदम भयानक हो जाएगा। अच्छा, पानी उनी पड़ के पूरा रेडी। कैची डाले भैया? अच्छा, गोलकी और जीरा का पाउडर। भाई सच बता रहे हैं, यहाँ पे खड़ा होकर इसका जो खुशबू आ रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल का आ रहा है। और इसको बहुत ही ज़्यादा चलाया जा रहा है इसलिए ताकि इसका जो थिकनेस वगैरह है ना, जो भी चर्बी है, तो वो टूटते रहे, उसमें मिलते रहे, तो उसका ग्रेवी में घुलते रहे, ताकि वो पानी जैसा ग्रेवी ना बने इसका, है ना भैया? इसी के कारण ये बना हुआ है। देखो ये लड़चुस्ता हो गया, हमारे बिहारी में इसको खाया जाता है बस। हाँ, तो भाई अभी बैठे हुए थे, देख लो ये खाना खा रहे थे। लेकिन ये यही होता है आठ जो बोलते हैं ना, आठ लवर, ये मीट बनाने में इतना एक्सपर्ट है, उस्ताद है, कि इनका मीट भी वो भी अच्छा बनाता है। इस चीज़ बोलने के लिए करेज चाहिए भैया आपको, लेकिन मानेंगे सही में। हम पढ़ाई कर रहे हैं अपने मुँह से, अपना क्या पढ़ाई करना। हेलो, बोल रहे हैं भैया कि हम राम जी के होटल का थी था, लेकिन हम आज सोच के आएंगे विजय भैया आज खाना है तो खाना है, आज वही खाना है। अच्छा, हम वहाँ से टेम्पू पकड़े हैं, वहाँ अभी तो यहाँ पे खा के टेस्ट करेंगे। भैया से पहले हमको बात करना है, अभी तो ऑफ द कैमरा बहुत बात कर रहे हैं, अलग नेक्स्ट लेवल के हैं ये, तो पहले हम जाके बात करते हैं। और ये रामजी होटल बहुत बार सुन लिया, भैया भी बोल दिए रामजी होटल अच्छा बनाता है, उनका जो पहला स्लॉट होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का रहता है, तो उसको भी ट्राई करना बनता है रामजी होटल को। लेकिन पहले अभी यहाँ पे आ चुके हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए विजय होटल आ चुके हैं, अब यहाँ पे इसका ट्राई किया जाएगा। पूरी से पीस कट के बन रहा है। अरे ये ना हम आपको खिला रहा है ना, ये पूरा खाने का चीज नहीं है, यहाँ ऐसी है चलता, पूरा खाइएगा तो जानते हैं। हाँ, पेट फेंक देगा। अच्छा, ये पूरा खा लेंगे तो पेट फेंक देगा? जैसे आज खाइएगा खाली तो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन रोज खाइएगा तो हो जाएगा। हाँ? जा ही रहा है तो जाने दीजिए।
अरे दिल्ली तक इनका डिमांड बढ़ गया है कि दिल्ली ऑल इंडिया हो गया। तो देख लो गाइस रोटी है और मीट वगैरह हम लोग का आ गया है। तो ये तो मीट वगैरह देख सकते हो, ये आ गया हम लोग का कि पता नहीं कौन सा पार्ट है, उतना पार्ट का हमको कोई आइडिया नहीं है। तो ये देख लो ये आ गया है, ये बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है। और ये देख लो हम लोग का आ गया है लड़चुस्ता का। वैसे बहुत बहुत कम लोग इसको खाना प्रीफर करते हैं, ये देख सकते हो पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे इसमें पूरा फैटी रहता है, बोल रहे थे अगर ये आप पूरा खाने लगे तो आपका पेट पक्का फेंक देगा, ऐसा सीन है इसका। तो इसी के लिए बोले कि इसको पीस करके आराम से थोड़ा 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 खाइए, आप ज़्यादा खा सकते हैं। और अगर किसी को वेट गेन करना है तो वो चीज़ ये चीज़ खाइए और इससे वेट गेन कीजिए आप, ऐसा सीन है ये। तो मीट को खाना स्टार्ट किया जाए, तो देख सकते हो ये है मीट, मीट का बहुत बड़ा पीस है। उसके बाद इसका खासियत पता क्या चाहिए, ये बहुत ही बढ़िया से सीझा हुआ है, हमको ज़्यादा खींचना उछना ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। इसको देखो एक एक हाथ से हम चाहे तो इसका पीस कर सकते हैं, ये देखो फैल गया बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। इसका टेक्सचर वगैरह देख सकते हो ब्रो, बहुत बढ़िया। पहले मीट के साथ कैसे ही ये लो, चूस्ता कैसे अब चूस्ता कैसे जब काट के बोलो ना भाई, एक पीस 60 रुपया पड़ेगा भाई। ए भाई इसका ग्रेवी बहुत ही ज्यादा मस्त है, एकदम ज्यादा मोटा पन है, ऐसा नहीं कि बस वो पानी ही पानी है। क्योंकि इसका रीजन ये है ना, जो भैया बॉईल कर रहे थे जो भी मिला रहे थे इसमें चर्बी वगैरह जो भी होता है ना वो मिल जाता है थोड़ा, तो उसके बाद थिकनेस हो जाता है। और चावल वगैरह और जो प्याज वगैरह रहता है वो बढ़िया से गला हुआ है तो वो पूरा माहौल ही अलग कर देता है। इसमें आपको मसाला वगैरह पूरा भरपूर मिलेगा, हमको आदि का टेस्ट आ रहा है, लहसुन का टेस्ट आ रहा है, अलग नेक्स्ट लेवल का ये। तो एक बाइट बनाया जाए, एक बाइट, उसके बाद ये देखो ब्रो ये हो गया हम लोग का पीस रेडी। उसके बाद चलिए आपको भी दीजिए दीजिए, नेक्स्ट लेवल का है ब्रो ये सच में नेक्स्ट लेवल का है। ग्रेवी वगैरह इसका जो रिचनेस है, इसका जो ना ज़्यादा आपको थी मिलेगा, सब कुछ एकदम बराबर क्वांटिटी में बैलेंस करके, बोलते हैं जीवन में बैलेंस चाहिए तो कुछ बढ़िया करना है तो बैलेंस। इनका मसाला अपना कूटा हुआ रखता है, अच्छा रेडीमेड मसाला नहीं है। इंडिया के ऑल इंडिया में कहीं भी खोल देगा प्रोडक्शन को तो चलने से नहीं रुकेगा। हाँ ये बात तो एकदम सही बोले भैया, प्योर खस्सी का मीट अगर बनाएगा कोई भी तो टेस्ट ही मिलेगा। जहाँ उसमें खेरा पेरी कर दिया खेला खाता उसका अलग खुशबू होता है। ये हमारे बिहार में बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है, हम लोग मीट को ज़्यादा प्रीफर भी करते हैं। अभी चंपानन मीट वाला का है तो ओरिजिनल मीट थोड़े जाए है उतना ही। अब खांसी उससे भाई नाम कमाल, देखिए ये देखो ये कलेजी वगैरह आ गया, भैया बोले कि दो पीस कलेजी जरूर लीजिए आपको टेस्टी लगेगा। तो ये कहना है क्या रहा कि जिंदा रहेगा तो कभी भी पैसा कमाया जा सकता है, सब टाटा कंपनी का सोच है। टाटा कैसा तो बनना अभी किसी को मुश्किल है, नेक्स्ट लेवल का है। तो हम लोग तो खा भी रहे हैं और भैया बोल भी रहे हैं बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है माहौल। तो ये भैया जो है अलग लेवल के, इनका जो सोच है, इनका बनाने का तरीका है, इनका जो खिलाने का तरीका है, हमको जो समझ में आया हम अपने ओपिनियन से बोल रहे हैं। भैया को खाने में खिलाने में बहुत मज़ा आता है, हम प्रेम से खिलाते हैं। हाँ प्रेम से खिलाते हैं, हमको बोले कि आप कितना वीडियो बनाइए आके बैठिए यहाँ पे हम आपको खिलाते हैं, आप खाइए पहले शांति से और उसके बाद करते रहिएगा। जो नेक्स्ट लेवल का है ब्रो ये, जो चर्बी हमरा
दुनिया पड़ी है वो क्या आवला की है। तो गाइस ये आ गया हम लोग का रस वगैरह चावल में ये देखो चावल वैसे 7 स्टार है। इसका टेस्टर देखो ब्रो बहुत बेहतरीन है। ओ भाई इतना टेस्ट है इसमें पूरा। आपको पहले मीठापन लगेगा हल्का सा क्योंकि इसमें प्याज वगैरह रहता है मीठा वगैरह रहता है। उसके बाद ये जो चावल है उसके बाद मसाला तीखापन आपको मिलेगा और उसके बाद खाने के बाद लास्ट में तीखापन लगेगा कि मीठा खाना चाहिए। तो उसके बाद आप इसको खाओगे पहले खाते हुए नेक्स्ट लेवल का। ये है भाई लचुस्ता का पीस देख सकते हो। ये देखिए पूरा एकदम ग्रेवी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ब्रो। हमको उसका टेस्ट अच्छा लगा। आपको क्रीमी टाइप का लगेगा अंदर में जाने के बाद उस लचुस्ता खाइएगा तो उसके बाद जो बाहर का लेयर रहता है जो बोल सकते हैं चर्बी नहीं मांग स्किन बोल सकते हैं उसको वो हल्का सा चुई वगैरह भी है लेकिन बहुत अच्छा है ये। सो गाइस ये लास्ट पीस है मेरा तो बढ़िया से ग्रेवी वगैरह लगा के आप बोल लीजिए बस। नहीं भैया बहुत बढ़िया है। सो गाइस यहाँ पे तो हम लोग खाली आराम से बैठ के अकेले में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक चीज़ यहाँ से खाली हो गया है तो वो चला गया है दूसरे वाले दुकान पे है ना क्योंकि वहाँ है वो ख़त्म हो गया। अच्छा तभी यहाँ वाला वो ले गया। अच्छा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया। ये हमारे भैया थे विजय जी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का खिला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक खाते रहिए मुस्कुराते रहिए। अगर चैनल को लाइक नहीं किया सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना क्योंकि 200 जल्दी से होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक है भैया अब निकला जाए।